ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 वर्ष का शासन पूरा हुआ और इसमें बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, उन सब को लेके हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी 20 जून को अनाज मंडी सोनीपत में सुबह 11 बजे का समय रहेगा, एक रैली को संबोधित करेंगे और इसमें सोनीपत को भी बहुत सारे विकास के काम, जो सड़कों का नेशनल हाईवे का जो निर्माण हुआ है और दिल्ली मुकबरा चौक से लेके और बालगढ़ तक जो बिस्वा मिल से आगे का उद्घाटन पहले गडकरी जी आए थे यहीं सोनीपत में करके गए थे, और कल दिल्ली मुकबरा चौक से लेके और बिस्वा मिल चौक तक के जो पुल सभी स्टार्ट हो गए हैं, आवागमन का रास्ता अच्छा हो गया है, ये नेशनल हाईवे 44 का उद्घाटन करेंगे, अनेक योजनाएं और भी वो दे के जाएंगे, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतवर्ष में जो विकास के काम हुए हैं, रेल के बारे में हो, सड़कों के बारे में हो, चाहे किसानों के बारे में हो, मतलब हर वर्ग में काम हुए हैं, उन सब का वर्णन यहाँ करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आएंगे, हमारे पार्टी के प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी रैली को संबोधित करेंगे। 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी इसको माना जा सकता है, ये 2024 का चुनाव, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव होना है और लगभग मान के चलो कि 10 से 11 महीने चुनाव के बचे हैं, तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर हमने सभी प्रोग्राम की रचना की है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री कल सोनीपत की रैली में शिरकत करेंगे, और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तमाम प्रकार के इंतजाम जो हैं यहाँ पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। सामने डी बनी है और डी के वे सामने जो हैं अलग अलग जो है वीआईपी जो लोग हैं उनके लिए भी चेयर लगाई गई है, पीछे पब्लिक के लिए चेयर रहने वाली है, खासतौर पर स्टेज भी लगाई गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा सरकार के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की ये रैली है, खासतौर पर क्या लोकार्पण रहने वाला है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को जो है 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और इन 9 वर्षों में ढेर सी उपलब्धियां जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कायम की हैं, और उन उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने के लिए महासंपर्क अभियान जो है चलाया जा रहा है। हर लोकसभा क्षेत्र में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारी खुशकिस्मती है कि जो सड़क परिवहन मंत्री, जिन्होंने देश में जो है सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, हाईवे बनाने का काम किया, और इस देश की कनेक्टिविटी विदेशों की तर्ज पर जो है स्थापित करने का काम किया, वो जो है सोनीपत लोकसभा की रैली को संबोधित करने आ रहे हैं, और इस अवसर पर 890 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारा जो है दिल्ली से लेकर पानीपत तक 12 लेन का जो है हाईवे बना है उसका भी लोकार्पण करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतजार थी। किसान आंदोलन के कारण थोड़ा सा व्यवधान उसमें आया, लेकिन अब वो बनकर तैयार हो चुका है, तो आज जो है उस उपलक्ष्य में यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। तमाम जो है लोकसभा से कार्यकर्ता और आम जनता जो है इस रैली में शिरकत करेगी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी शिरकत करेंगे और तमाम नेता जो हैं यहाँ उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राजीव जैन जी द्वारा ये बताया गया है कि ये खास तौर पर एक बड़ी और ऐतिहासिक रैली रहने वाली है, जिस प्रकार 2024 का चुनाव है उसके मद्देनज़र भी ये इसे अहम माना जा रहा है। खास तौर पर जिस प्रकार से NH 44 पर 11 फ्लाईओवर का लोकार्पण जो है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा, और इस दौरान जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहने वाले हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद प्रबंध कर लिए गए हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।